दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अनोखे सांपों के बारे में। जी हाँ, वही सांप जो खौफ का दूसरा नाम है, क्योंकि सांप का नाम सुनते ही लोगों की हालत बिगड़ने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे सांपों से करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती के मामले में सबसे टॉप पर है। इनमें से कुछ सांपों की बनावट इतनी अनूठी है कि आप उन्हें बार बार देखना पसंद करेंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भाई, नंबर एक पर इतना अनोखा सांप है कि उसका मुंह एकदम लीफ यानी कि पत्ती की तरह है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, सनबीम स्नेक। दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों की लिस्ट में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सनबीम स्नेक की। यह मोनोटाइपिक परिवार ज़िनोपल्चिडे का एकमात्र जीनस है जिसकी प्रजातियां दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। इन सांपों की सुंदरता का कारण है दोस्तों हाईली इरिडिसेंट स्केल्स। दरअसल सनबीम सांपों की सुंदरता मुख्य रूप से अत्याधिक इंद्रधनुषी स्केल्स के कारण है जो इनके पूरे शरीर को कवर करते हैं, जबकि दोस्तों इनकी मेन बॉडी का ऊपरी रंग चॉकलेट ब्राउन या पर्पलिश ब्लैक होता है, जबकि नीचे सफेद रंग होता है। जब इनके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सांप और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। इनका सिर छोटा और सिलेंड्रिकल होता है और इनकी औसत लंबाई 3 फीट तक होती है, जबकि कुछ तो भाई 4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। सांप की यह अनोखी प्रजाति नॉन वेनमस होती है और ये 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं। सनबीम सांप एम्फीबियंस, स्नेक, रोडेंट्स और कैरियन खाना पसंद करते हैं। नंबर 9, आईलैश वाइपर। अनोखेपन और खूबसूरती के मामले में दोस्तों इस सांप का कोई भी जवाब नहीं है। इस सांप की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी आंखों के ऊपर ब्राइट स्केल्स। ये स्केल्स एकदम आईलैशेस की तरह नजर आते हैं, इसलिए दोस्तों इसका नाम आईलैश वाइपर पड़ा है। आईलैश वाइपर अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो कि 50 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है। इनका सिर चौड़ा होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है, जबकि बाकी शरीर पतला होता है। इनके रंग की बात करें तो आईलैश वाइपर में रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये अनोखा सांप रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन और यहाँ तक कि पिंक जैसे रंगों में भी पाया जाता है। इनके बेस कलर पर अक्सर ब्लैक या ब्राउन रंग के धब्बे होते हैं, लेकिन दोस्तों इस सांप से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये वाइपरिडे परिवार में विषैले पिट वाइपर की एक प्रजाति है। ये विचित्र है लेकिन खूबसूरत सांप है। ज्यादातर मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये रहते हैं। आईलैश वाइपर मुख्य रूप से छोटे जानवरों जैसे मेढक, कृंतकों, छिपकलियों और कभी कभी पक्षियों को भी खाते हैं। इनका जीवन काल करीब 16 वर्ष का होता है। नंबर 8, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। इस सांप का नाम सुनकर दोस्तों आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए उड़ने के बजाय ग्लाइड करते हैं। ये सांप काले और हरे रंग का होता है और इसके पृष्ठीय पक्ष पर ऑरेंज डायमंड शेप के निशान होते हैं। पैराडाइज्ड फ्लाइंग स्नेक ज्यादातर वनवासी होते हैं और मुख्य रूप से पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के नम जंगलों में ये रहते हैं। इंडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी इंडोनेशिया और फिलीपींस का पैरालाइज्ड ट्री स्नेक लंबाई में 91 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। ये खूबसूरत सांप अपनी पसलियों को फैलाकर और अपने हल्के शरीर को चपटा करके आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं। ये अपनी शक्तिशाली अब्डोमिनल मसल्स का उपयोग पेड़ की शाखाओं पर शान से उतरने और पकड़ने के लिए करते हैं। इन सांपों की उम्र दोस्तों करीब 10 साल होती है। उड़ने वाले सांप दिन में सक्रिय होते हैं, जो रोडेंट्स, बैट्स, बर्ड्स और लिजर्ड्स को पकड़ते हैं। ये सांप दोस्तों माइल्डली वेनमस और कॉन्स्ट्रिक्टर दोनों होते हैं, जो अपने शिकार को पूरा निगल सकते हैं। नंबर 7, ग्रीन ट्री पाइथन। पेड़ पर बड़े निराले अंदाज में रहने वाला ये सांप दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत सांप है। इन्हें पेड़ पर लिपट कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये इतने अनोखे तरीके से पेड़ पर बैठते हैं कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि पेड़ पर कोई सांप भी बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों ये अपने पूरे शरीर को पेड़ की शाखा पर लपेटते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। ये सांप दोस्तों इतना शातिर है कि बार बार अपनी पूंछ हिलाकर शिकार को फुसलाता है, और जैसे ही कोई शिकार इनके नजदीक आता है तो ये फौरन उस पर झपटते हैं और उसे अपना निवाला बना लेते हैं। ये सांप दोस्तों मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, मगर जन्म के समय ये चमकीले पीले या लाल रंग के होते हैं। एक मादा 5 से 35 अंडे देती है। आमतौर पर दोस्तों ये सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी आइलैंड के जंगलों में पाया जाता है। ग्रीन ट्री पाइथन करीब 6 फीट तक बढ़ सकता है। ये अक्सर छोटे मैमस और रेप्टाइल्स को अपना शिकार बनाते हैं। इनका जीवन काल औसतन 15 वर्ष है, लेकिन दोस्तों मानवीय देखभाल में ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 6, ब्लैक नेक्ड स्पिटिंग कोबरा। खूबसूरत सांपों की सूची में दोस्तों ब्लैक स्पिटिंग कोबरा का नाम भी शामिल है। ये स्पिटिंग कोबरा की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से सब सहारन अफ्रीका में पाई जाती है। ये मीडियम साइज के सांप होते हैं जो लंबाई में 1.2 से 2.2 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इनका रंग और निशान काफी भिन्न हो सकते हैं। कुछ ब्लैक और व्हाइट या पूरी तरह से सफेद धारीदार भी हो सकते हैं।
ये मुख्य रूप से छोटे कृंतकों का शिकार करते हैं। ब्लैक स्पिटिंग कोबरा दिखने में जितने अट्रैक्टिव लगते हैं उतना ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि दोस्तों ये अत्यधिक विषैले होते हैं। खतरा महसूस होने पर ये खतरनाक सांप अपने फन से काफी दूर तक जहर फेंक सकते हैं। दूर तक जहर फेंकने के कारण ही इनका नाम स्पिटिंग कोबरा पड़ा है। इसलिए दोस्तों जब भी आप इस सांप को देखें तो फौरन ही अपना रास्ता आप बदल लीजिए। नंबर 5, ब्लू मलेशियन कोरल स्नेक। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बट डेंजरस। इस सांप का नेचर बहुत अलग है। इनका सिर, पूंछ और पेट लाल रंग का होता है, जबकि पीठ गहरे नीले और काले रंग की होती है। आमतौर पर सभी फ्लैंक पर एक बड़ी नीली या सफेद पट्टी होती है। इसे ब्लू कोरल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मीडियम साइज का दोस्तों कोरल स्नेक है, जिसका शरीर पतला होता है। एक वेस्ट ब्लू मलेशियन कोरल स्नेक 5 फीट 11 इंचेस लंबा हो सकता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है, जो मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जा सकता है। ये छोटे स्तनधारियों, उभयचरों, पक्षियों और यहाँ तक कि सांपों की अन्य प्रजातियों को भी खा जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में असामान्य रूप से लंबी विष ग्रंथियां होती हैं, जो शरीर की लंबाई का 25% तक फैली होती हैं। इलापिडाए परिवार के अन्य सांपों के विपरीत इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन नहीं होता है। ये अपनी कलरफुल बॉडी का उपयोग शिकारियों को डराने के लिए करता है। नंबर 4, स्पाइनी बुश वाइपर। ये सांप दोस्तों अपने बेहद उलझे हुए पृष्ठीय शल्कों के लिए जाने जाते हैं, जो इसके शरीर को एक अनूठा शैगी लुक देते हैं। इनके सिर और गर्दन के चारों ओर सबसे लंबे स्केल्स होते हैं, जबकि पीछे की ओर कम होते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर के स्केल्स दोस्तों इसे आश्चर्यजनक रूप से ड्रैगन जैसा अपीयरेंस देते हैं। ज्यादातर वाइपर की तरह दोस्तों ये सांप सपाट, चौड़ा सर, शॉर्ट स्नाउट और बड़ी उभरी हुई आंखों के साथ चमकीले रंग के होते हैं। विचित्रता से भरे ये सांप रफ स्केल्ड बुश वाइपर, हेयरी बुश वाइपर जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर चमकीले हरे और पीले रंग से नारंगी, ब्राउन और ग्रे रंग में पाए जाते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर सेंट्रल अफ्रीका का एक विषैला सांप है, जो मुख्य रूप से कैमरून, नाइजीरिया, युगांडा, केन्या और घाना जैसे देशों में पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में गर्म व आर्द्र वर्षा वनों में रहता है। हालांकि बुश वाइपर इंसानों के प्रति दोस्तों बहुत आक्रामक नहीं है, लेकिन इसका होमोटॉक्सिक विष काफी शक्तिशाली है। नंबर 3, कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक। खूबसूरत सांपों की लिस्ट में दोस्तों हम भला कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस सांप का कलर कॉम्बिनेशन बॉस इतना इम्प्रेसिव है कि इससे नजरें हटाना मुश्किल है। अधिकांश कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक में काले और लाल रंग के बैकग्राउंड पर नीली धारियों का एक पैटर्न होता है। इस सांप का सिर दोस्तों आमतौर पर चमकदार लाल होता है। इनकी औसतन लंबाई को लगभग 55 सेंटीमीटर है, जबकि अधिकतम को लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जैसा कि भाई इसके नाम से ही पता चलता है कि ये खूबसूरत सांप ज्यादातर पूरे कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अधिकांश टिपिकल गार्टर स्नेक की तरह ये मजबूत तैराक और कुशल शिकारी होते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे उभयचरों, मछलियों, कृंतकों और कभी कभी पक्षियों को खाते हैं। नंबर 2, राइनोसोरस वाइपर। सांप की इस निराली प्रजाति को दोस्तों आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अत्यधिक विषैला लेकिन दिखने में आश्चर्यजनक रूप से अनोखे राइनोसोरस वाइपर का कोई जवाब नहीं है। हालांकि दोस्तों इसकी भौगोलिक सीमा छोटी है, लेकिन ये खूबसूरत सांप अपनी अनूठी बनावट और रंग के लिए प्रसिद्ध हो गया है। दरअसल दोस्तों इसके उभरे हुए नस्ल स्केल्स छोटे सींगों से मिलते जुलते हैं। ये छोटा लेकिन भारी शरीर वाला सांप है, जो बिल्कुल कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है। इनका शरीर ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और डायमंड के आकार के शानदार मखमली पैटर्न से बना हुआ है, जो लाल, पीले, नीले, हरे और काले रंग के होते हैं। इनकी स्नोत की नाक पर सींग के 2 या 3 जोड़े होते हैं। इनकी औसतन लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन दोस्तों कुछ 4.3 फीट तक लंबे होते हैं। सांप की ये यूनिक प्रजाति दोस्तों वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से घाना, सूडान, कैमरून और युगांडा जैसे देश शामिल है। ये घने जंगलों में पानी के पास रहता है, जहाँ ये दिन के दौरान जंगल में जमीन पर पेड़ पत्तों या पत्तियों के कूड़ों के बीच छिपता है, तो वहीं रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। राइनोसोरस वाइपर का जहर दोस्तों होमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों है। ये घातक और शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, जिसका उपयोग यह अविश्वसनीय दक्षता के साथ शिकार को मारने के लिए करता है। नंबर 1, मेलागसी लीफ नोज स्नेक। यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर के कारण हमने सांप को दोस्तों सबसे पहले नंबर पर रखा है। हालांकि ये जहरीले सांप की प्रजाति है, जिन्हें मेडागास्कर सांप भी कहा जाता है। इन सांप के थूथन पर विशिष्ट स्केली अपेंडेजेस होते हैं और इनकी पत्ते जैसे स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें ये नाम मिला है। ये मांसाहारी होते हैं, जो मेढक, छिपकलियों और कभी कभी पक्षियों का शिकार करते हैं। मेलागसी लीफ नोज स्नेक कम जहरीले होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है।
लंबाई में दोस्तों ये सांप 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इस प्रजाति के सांप ब्राउन, ग्रे और येलो रंग में देखने को मिलते हैं। इनका जीवन काल काफी कम होता है क्योंकि ये सांप करीब 3 साल तक जीवित रहते हैं। जैसे कि दोस्तों इनके नाम से ही पता चलता है कि ये मेडागास्कर के लिए स्थानिक है, जो डिसिड्यूस ड्राई फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे अनोखे सांप। अब आपको इनमें से कौन सा सांप सबसे यूनिक और खूबसूरत लगा, जरा कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी, हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।